हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैम फैशन अप, जहाँ पे मैं आप लोगों से बात करती हूँ प्रोडक्ट से बेहज और कुछ फैशन के बारे में और अपने लाइफ की कुछ अपडेट्स भी शेयर करती हूँ। तो काफी टाइम के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हो गई थी और उसका कारण क्या था वो मैंने आप लोगों के साथ कम्युनिटी पे शेयर भी किया था। तो जैसे कि आज न्यू ईयर है, तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। और आज मैं आप लोगों के साथ इस न्यू ईयर का ब्लॉग शेयर करूंगी और दिखाऊंगी कि इस पूरे न्यू ईयर में मैं कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ और आज का दिन हमारा कैसा जा रहा है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और बस मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, क्योंकि रात में काफी जगना पड़ता है। और अभी जो है छोटे बाबू का मालिश हो रहा है और ये न्यू ईयर बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि छोटा बाबू जो है हमारे साथ है और उसके साथ ये न्यू ईयर सेलिब्रेट होने वाला है। तो मैं दिखाती हूँ कि बाबू का मालिश हो रहा है और बाबू अभी क्या कर रहा है। आप देख सकते हो अभी बाबू का आग के साथ बहुत अच्छे से मालिश हो रहा है और नानी माँ अच्छे से मालिश कर रही है और उसके बाद बाबू का न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। तो बाबू की तरफ से भी आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आगे ये बाबू की रूटीन क्या है और हम लोग बाबू के साथ कैसे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मैं जरूर आगे शेयर करूंगी। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहो और इस वीडियो को एंजॉय करें। और मालिश वगैरह कराने के बाद अभी बाबू अपने पापा के साथ बहुत अच्छे से खेल रहे हैं और घर में छोटा बाबू आ जाने से सब लोग बाबू के पीछे ही बिजी रहते हैं। और ये इस साल का सेलिब्रेशन जो है न्यू ईयर बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि हमारे साथ में हमारा छोटा सा मेहमान है। अभी सुबह के 10 बज गए और मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। अब मैं अभी आपको वेदर दिखा रही हूँ। आज वेदर बहुत ही ख़राब है, आज पूरा ही अभी तक कुहासा लगा ही हुआ है और ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं अभी आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ। आप देख सकते हो ठंड काफ़ी ज़्यादा है और धूप बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो आज बिल्कुल ठंड में न्यू ईयर मिलने वाला है और काफ़ी अच्छा लेकिन अच्छा सुहावना सा मौसम हो गया है। और मैं तो कहीं घूमने जा नहीं सकती, लेकिन यहाँ का वेदर काफ़ी सुंदर हो गया है और ठंड भी है। तो चलिए किचन में दिखाते हैं कि अभी ब्रेकफास्ट में क्या सब बना है और मम्मी क्या बनाई है। आप देख सकते हो अभी यहाँ पे कचौड़ी बन रहा है और आप देख सकते हो आलू बैंगन की सब्जी, आलू गोभी मटर की सब्जी प्लस यहाँ चटनी, साथ में यहाँ पालक का साग, दाल, ये सारा कुछ बन चुका है। और भी जो है जो भी बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। चावल भी बन के रेडी है और इधर आप देख सकते हो गर्मा गर्म कचौड़ी निकल और साथ में देख सकते हो मालपुआ भी बन रहा है। ये रस वाला मालपुआ है जो कि मम्मी का स्पेशल और बहुत ही टेस्टी बनता है, जो कि खोआ से बनाया जाता है और ये बहुत ही स्पेशल पुआ होता है। इसे इस तरीके से छान के और यहाँ पे आप देख सकते हो शुगर सिरप रेडी है, यानी कि चाशनी, उसमें इसे डिप करके फिर इसे खाना होता है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे पुआ भी छन के रेडी हो रहा है। देख सकते हो नाश्ता निकल के रेडी है और सबसे पहले नाश्ता देने जा रहे हैं। और बाबू अभी बहुत ही नींद में सोया हुआ है, तो मैं बाबू से भी आपको जरूर मिलाऊंगी थोड़ी देर के बाद अच्छे से। और अभी आप देख सकते हो बाबू न्यू ईयर में रेडी हो गया है, बिल्कुल रेड रेड ड्रेस पहन के और नानी के साथ खेल रहा है और बिल्कुल शांत है। तो देखिए बाबू को और अपनी छोटी अपने अपनी ब्लेसिंग और लव जरूर दीजिएगा। तो अभी बाबू नानी के साथ अच्छे से खेल रहा है। तो इस तरीके से बाबू का भी न्यू ईयर सेलिब्रेट हो रहा है अच्छे से और बहुत ठंड है तो ठंड का भी मजा ले रहा है। और अभी देख सकते हो बाबू से मिलने बाबू की बहुत सारी छोटी छोटी सी मौसी आई है। तो बाबू की बहुत सारी मौसियां हैं और सारी एज की मौसी है, तो एक मौसी लोग आई है अब बाबू से मिलने के लिए। और फिर खाने में आप देख सकते हो बना था मटन और पुलाव। तो मटन बनके तो हमारे आज बहुत ही अच्छे से फ्राई पीस भी बना था। मैं नॉनवेज नहीं खाती लेकिन घर में सब लोग नॉनवेज खाते हैं, तो ये मटन बना था और उसके साथ पुलाव वगैरह। Thank you.
देख सकते हो इस न्यू ईयर में बहुत लोग घर पे आए हैं और मेरी आंटी लोग भी आई हैं और सब लोग बस किचन में मस्ती चल रही है। इधर चाय बन रहा है और साथ में बहुत कुछ बन रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है। तो ये न्यू ईयर कैसा रहा मैं पूछ के बताती हूँ और आपसे बतवाती हूँ कि आंटी लोग का न्यू ईयर कैसा रहा। तो बताइए आंटी, आप लोगों का न्यू ईयर कैसा सेलिब्रेट हो रहा है? हम लोग का तो बहुत अच्छा हुआ। आज हम लोग पता है हम लोग बहुत अच्छा जगह घूमने गए। यहाँ से 200 किलोमीटर दूर पैदल गया हैप्पी न्यू ईयर और वहाँ जाके बहुत सारा अच्छा क्या था आज मंदिर था। आज कौन था, कौन मंदिर था? आजमगढ़ नहीं, रामगढ़ मंदिर, माँ दुर्गा का मंदिर। तो बहुत सालों के बाद ये आंटी लोग अपने ससुराल में इन द सेंस नरहर में अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है और ये लोग बहुत एक्साइटेड है। तो बहुत अच्छा लगा इन लोगों को नरहर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हुए। और भी लोगों से मैं आपको मिलवाती हूँ और आप देख सकते हो बहुत सारी आंटी भी आई हैं। तो आंटी से भी पूछते हैं कि यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेट करके उनको कैसा लगा। तो कैसा लगा आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और देख सकते हो इधर बाबू लोग भी हैं और यहाँ पे भी बैठी हैं आंटी। तो सारे लोग घर पे आए हैं और बहुत इंजॉय हो रहा है इस न्यू ईयर पे। तो इस तरीके से सेलिब्रेशन चल रहा है और मैं दादी से भी मिलवाती हूँ आपको। तो आप देख सकते हो दादी भी आई है बाबू से मिलने के लिए और यहाँ दादी बैठी है। तो देखिए, तो दादी से भी पूछते हैं दादी का न्यू ईयर कैसा रहा और दादी बहुत सारा आशीर्वाद भी देगी। तो दादी तो इस तरीके से देख रहे हो सब लोग घर पे बैठे हो और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो इस बार का न्यू ईयर बहुत लोगों के साथ मन रहा है। तो आगे जो भी हो रहा है तो मैं सबके साथ आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। और ये न्यू ईयर और भी स्पेशल रहा क्योंकि एक न्यू मेंबर हमारे घर में और ऐड हुआ, क्योंकि मेरे भाई ने ये बाइक लिया है एवेंजर। तो आप बताइएगा कि ये बाइक कैसा लगा हम लोगों को? तो काफ़ी पसंद आया। और उसके बाद नाइट के टाइम में हम लोगों ने मिल करके बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग किया क्योंकि मेरे बेबी का ये फर्स्ट न्यू ईयर था और ऐसे भी केक कटिंग होना बनता ही था। तो बस इस तरीके से हम लोगों का पूरा न्यू ईयर का दिन सेलिब्रेट किया। बहुत सारे लोगों से मिले, बाबू से मिलने भी बहुत लोग आए और इस तरीके से हम लोगों ने पूरे दिन स्पेंड किया। अच्छा रहा सेलिब्रेशन ब्लॉग और ये न्यू ईयर ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो ऐसा रहा आज का मेरा पूरा दिन और मैंने पूरा दिन आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक्स माय वीडियोस, शेयर दिस वीडियोस एंड प्रेस द बेल बटन। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।